What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 5 फरवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। कल हमने देखा पीएमआई डेटा काफ़ी अच्छा आया था भारत का, उसके बाद चाइना मार्केट भी कभी दिनों के बाद खुले थे, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी एक पॉजिटिव नेस देखने को मिल रहा था। हालांकि ये रिकवरी फेज है, अगर इसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो चार्ट पैटर्न में हमें कैसे फॉर्मेशन देखना ज़रूरी है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 4 फरवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,767। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह निफ्टी इंडेक्स का 10 मिनट का चार्ट है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमने एनालिसिस किया था, इसी के पास निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ओपन हुआ, तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट के पास ओपन हुआ था। हालांकि लाइव मार्केट में यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। हमारा जो प्री प्लान था मार्केट खुलने से पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स की हालत देखते लें। कल यूएस मार्केट नासडैक और डाउ में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा कारोबार कल हमें देखने को मिला। एशियाई बाज़ार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़े से कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स देखे तो 200 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और चाइना मार्केट भी 41 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो 27 पॉइंट की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट्स में एक रिकवरी फेज भी देखने को मिल रहा है। देखते हैं इंडियन मार्केट्स निफ्टी आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फॉल आया था बजट के बाद, तो यहाँ पर 61.8% और ये 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही लेवल के पास आ रहा था। तो यहाँ पर 11,600 के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। यहाँ से हमें ट्रिमेंडस ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी वीक खत्म होने में 3 दिन बाकी है। अभी ये 20 EMA के ऊपर, जहाँ पर ये कर हर्डल का काम कर रहा था 11,900, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन अभी तक ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम वीक का एनालिसिस कर रहे हैं वीकली चार्ट का। तो यहाँ पर अगर और भी ये ऊपर से यहाँ पर तेज़ी आती है तो 12,114 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अभी 3 दिन बाकी है। कल RBI की मॉनिटरी पॉलिसी है। मार्केट ये जो रिकवरी फेज है, इसको अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो एज पर वीकली चार्ट पहले तो इस बियरिश, ये जो ज़बरदस्त लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसे कह सकते हैं कि इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर वीकली चार्ट। तो रिकवरी एक उम्मीद है, यहाँ से अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो। ये कन्फर्मेशन तभी मिलेगा जब ये वीकली चार्ट में इस बियरिश कैंडल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तभी। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर ऊपर जब ये अपसाइड मूव कर रहा था, तभी यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर तभी सपोर्ट का काम कर रही थी। तो अभी ये जो सपोर्ट का काम करता है, हो सकता है ये फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करे। इसी के पास ये 20 डेज और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, जो कि अराउंड 12,050 के पास है। तो 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसके ऊपर 12,050 के पास ये दोनों मूविंग एवरेजेस क्लब हो रहे हैं। तो यहाँ पर 12,050 के पास एक स्ट्रॉन्ग अभी हर्डल है, रेजिस्टेंस है, इसको पार करना होगा डेली चार्ट में। लेकिन जब भी ये अप ट्रेंड आता है, आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड आता है तो उसके बाद ये कंटिन्यू स्ट्रेट स्टीफ वर्टिकल मूव नहीं आता, तो ये हमेशा इस पैटर्न में ये ट्रेड होता है। तो हमेशा जब भी ये हायर हाइज और हायर लोज बनता हुआ हमें दिखाई देगा, तभी हम इसे कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट यहाँ से आ सकता है ऐसा कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये एक स्टीफ रिकवरी फेज है, यहाँ से अगर करेक्ट होता है, देखिए मार्केट जब भी फॉल करता है तो 70-80 डिग्रीज में यहाँ से फॉल दिखाई देता है। ये 70-80 डिग्रीज का यहाँ पर फॉल बनता है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो मार्केट 45 डिग्रीज में चला जाता है। और ये ऐसे
तो सेल जब भी होता है, पैनिक मूव होता है, तो तभी काफ़ी हमें तेज़ी से मूव देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो एंगल बनता है सेल्स का, जब भी पैनिक आता है, सेल ज़बरदस्त हमें प्रेशर देखने को मिलता है, तभी यहाँ से जो गिरावट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ रहती है। लेकिन ऊपर जाते वक्त ये 45 डिग्रीज में ये हमेशा ट्रेड करता है, और यहाँ से हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो अभी फ़िलहाल 20 और 50 डेज ये मूविंग एवरेज अगर कंफर्टेबली ब्रेक होते हैं डेली चार्ट में, तो यहाँ से कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से फिर से एक बार हमें निफ्टी में नई अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये जो नीचे 10,600 का सपोर्ट है और ऊपर ये 11,600 का सपोर्ट है और ऊपर 12,000 का हर्डल बना हुआ है। और अगर ये जो फॉल आया, इसका अगर हम रिट्रेस निकाले यहाँ इस हाई और इस लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं ये 50% का लेवल भी 12,022 के पास आ रहा है। तो इस जोन में एक हर्डल है, रेजिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स फेस कर सकता है। इस ट्रेंड लाइन को फिर से एक बार ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है, कंफर्टेबली सस्टेन करता है, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो ये फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। कल जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, ये ऊपर प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त एग्जैक्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन, इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट भी मिल गया था और ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली थी। नीचे RSI में भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, इसके नेक लाइन का भी ब्रेकआउट हमें मिला था। तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिले थे। तो आज निफ्टी में अगर ये यहाँ पर अभी लास्ट जहाँ से फॉल आया था, ये ज़बरदस्त फॉल आया था, इसी के पास निफ्टी इंडेक्स आ चुका है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस लेवल को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है आज, यानी 12,000 ही पकड़ लेते हैं, 12,000 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है, तो ही आज इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। तो ये आज के लिए हमारा होगा निफ्टी के लिए ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पर हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,021, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 100 EMA का ये मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट में 12,042 के पास आ रहा है 100 EMA, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के पास ये इसने एक स्विंग लो बनाया था, और इसी के पास अभी ये 50 EMA का ये मूविंग एवरेज आ रहा है। अभी 60 मिनट के चार्ट में देखें तो इंडेक्स अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। कल RBI की पॉलिसी है, तो हो सकता है अभी पॉलिसी का जो व्यू है वो बाहर आने तक एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिले, तो काफ़ी रिस्की होगा यहाँ पर ट्रेड करना। निफ्टी इंडेक्स अगर 11,950 के नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। पहले इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल, ये हमारा आज के लिए होगा ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,928, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,897, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। राउंड फिगर कर देते हैं 11,900, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।